नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास सेवेंथ की हिंदी। क्लास सेवेंथ की हिंदी में अगर आप सभी को याद होगा तो हमने अपने लास्ट सेशन में यहाँ पर पढ़ा था क्रिया, और क्रिया में हमने क्रिया के की परिभाषा, क्रिया के भेद यहाँ पर डिस्कस किए थे। तो क्रिया की परिभाषा आप सभी को पता है कि किसी कार्य के होने या करने का बोध कराने वाले शब्द को क्रिया कहते हैं। जैसे चलना, फिर चलना, लिखना, पढ़ना, सोना, खाना, ठीक है, ये सारे शब्द क्या हैं? क्रिया शब्द हैं। तो क्रिया के भेदों को भी हमने यहाँ पर पढ़ा था। तो क्रिया के भेदों में हमने यहाँ पर सबसे पहले दो भेद आपको क्रिया के बताए थे, दो भेद जिसमें से सबसे पहला भेद हमारा था कर्म के आधार पर, और कर्म के आधार पर जो आपके क्रिया के भेद थे उसमें हमने दो क्रियाएं पढ़ी थी। देखिए, इस तरह से हमने यहाँ पर पढ़ा था क्रिया के भेद जो कि दो आधार पर होते हैं। पहला, कर्म के आधार पर क्रिया के भेद, कर्म के आधार पर क्रिया के भेद, और दूसरा, रचना के आधार पर क्रिया के भेद। तो कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद हमने यहाँ पर डिस्कस किए थे, पहला अकर्मक क्रिया, दूसरा सकर्मक क्रिया। और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी ने अपनी छुट्टियों में इन चीजों को रिवाइज किया होगा, जो कुछ भी आपने क्लास में पढ़ा उसको रिवाइज किया होगा, और आगे भी आप जो भी यहाँ पर पढ़ते हैं उसको घर पर एक बार जरूर रिवाइज करें। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमने सबसे पहले अपना पॉइंट लिया था अकर्मक क्रिया, जिसमें हमने कहा अ और कर्मक, अ का अर्थ होता है बिना, कर्मक का अर्थ होता है कर्म के। तो जिन क्रियाओं के कर्म नहीं होते तथा जिन क्रियाओं का फल कर्ता पर पड़ता है, जिन क्रियाओं के कर्म नहीं होते और जिन क्रियाओं का फल कर्ता पर पड़ता है उन्हें अकर्मक क्रियाएं कहते हैं। आप देख सकते हैं, नेहा सो रही है, चिड़िया उड़ रही है, मोहन हंस रहा है, सीमा लिख रही है, ठीक है, कि कर्म जो है उपलब्ध नहीं है, सीमा लिख रही है। तो इसका उत्तर हम कैसे जानेंगे कि ये सकर्मक है या अकर्मक क्रिया? हम प्रश्न करेंगे क्या तो हमें उत्तर प्राप्त होगा कि सीमा क्या कर रही है, या सीमा, अगर हम कहेंगे सीमा क्या लिख रही है, तो हमें पता चलेगा कि सीमा कुछ भी नहीं पता चलेगा, तो हमें उत्तर प्राप्त नहीं होगा। तो ये हमें पता चल जाएगा कि ये अकर्मक क्रिया है, क्योंकि हमें नहीं पता कि सीमा क्या लिख रही है। ठीक है, हम जब उत्तर देंगे, जब हम उत्तर देने की कोशिश करेंगे, जैसे हमने कहा कि हम प्रश्न करेंगे और उत्तर देने की कोशिश जब हम करेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा कि उत्तर क्या है, क्योंकि हमें नहीं पता कि क्या लिख रही है। ठीक है, सीमा लिख रही है। तो हमें यहाँ पे उत्तर प्राप्त नहीं हो रहा है, इसीलिए ये अकर्मक क्रिया है। उसके बाद अकर्मक क्रिया की पहचान, तो बिल्कुल मैंने आप लोगों को कहा कि क्रिया के साथ क्या लगाकर, क्रिया के साथ क्या लगाकर। देखिए, अकर्मक क्रिया की पहचान कैसे की जाएगी? अकर्मक क्रिया की पहचान करने के लिए हमें क्रिया के साथ क्या लगाकर जब हम प्रश्न करते हैं तो क्या हमें उत्तर हमें प्राप्त नहीं होता है, हमें उत्तर प्राप्त नहीं होता है, और उसको हम कहते हैं अकर्मक क्रिया, उसको हम कहते हैं अकर्मक क्रिया है। ठीक है, जैसे सीमा गा रही है, तो हमें, हम अगर कहेंगे क्या, अगर हम लगाएंगे सीमा क्या गा रही है, तो हमें उत्तर प्राप्त नहीं हो रहा है। रोहन पढ़ रहा है, रोहन क्या पढ़ रहा है, हमें उत्तर प्राप्त नहीं हो रहा है। बच्चा रोता है, तो हमें उत्तर प्राप्त नहीं हो रहा है, तो इसको हम कहेंगे आपका अकर्मक क्रिया। ठीक है, इसी तरह से हमने सकर्मक क्रिया को पढ़ा था कि जिन क्रियाओं में कर्म की अपेक्षा रहती है, यानी कि जिन क्रियाओं में
कर्म उपलब्ध रहता है, कर्म की अपेक्षा रहती है, यानी कि जिन क्रियाओं में कर्म उपलब्ध रहता है उसको सकर्मक कहते हैं। स का अर्थ होता है साथ, कर्मक का अर्थ होता है कर्म के। ठीक है, जैसे आयुष पुस्तक पढ़ रहा है, तो ये सारी चीजें हमने पहले भी पढ़ी है, ये सारी चीजें हम पहले क्लियर कर चुके हैं, तो हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमने सकर्मक क्रिया की पहचान, उसमें भी हमने कहा कि जब हम क्या, किसे, किसको शब्द लगाते हैं, क्या, किसे और किसको शब्द हम जब लगाते हैं तो प्रश्न करते हैं इस तरह के शब्द लगाकर, तो क्या होता है, हमें उत्तर प्राप्त हो जाता है, हमें उत्तर प्राप्त हो जाता है, और इसी को हम कहते हैं आपका सकर्मक क्रिया। ठीक है, इसी को कहते हैं हम सकर्मक क्रिया। जैसे आयुष क्या पढ़ रहा है, आयुष क्या पढ़ रहा है, तो आयुष पुस्तक पढ़ रहा है। प्रणव ने क्या लिखा, प्रणव ने पत्र लिखा। अगर हम कहें आयुष पढ़ रहा है तो ये होगी आपकी अकर्मक क्रिया, लेकिन आयुष पुस्तक पढ़ रहा है तो ये है आपकी सकर्मक क्रिया। इसी तरह से प्रणव ने क्या लिखा, प्रणव ने लिखा अगर केवल लिखे तो ये आपकी अकर्मक क्रिया, अगर प्रणव ने पत्र लिखा ये लिखे तो ये आपकी सकर्मक क्रिया। ठीक है, जहां पर क्या शब्द लगाकर प्रश्न करने पर उत्तर मिले वो सकर्मक क्रिया, जहां पर क्या शब्द लगाकर प्रश्न करने पर उत्तर ना मिले वो अकर्मक क्रिया। क्लियर सभी को? तो इसी को हम कंटिन्यू कर रहे थे। सबसे पहले हमने सकर्मक क्रिया के भेद यहां पर पढ़े। सकर्मक क्रिया के दो भेद हमने पढ़े थे, एक कर्मक और द्विकर्मक। एक कर्मक क्रिया जिन क्रियाओं में के साथ एक कर्म होता है, एक कर्मक कहलाती है। और जैसे कि एग्जाम्पल, माताजी खाना खिलाती है, माली पानी देता है, अध्यापिका पुस्तक पढ़ाती है। ठीक है, इस तरह से द्विकर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया में जिन क्रियाओं के साथ दो कर्म होते हैं। अब ये दो कर्म कैसे हैं, देखिए हमने कहा सबसे पहले कि माताजी खाना खिलाती है, लेकिन माताजी खाना किसको खिलाती है, माताजी बच्चे को खाना खिलाती है। ठीक है, तो एक क्रिया हो गई आपका बच्चा, दूसरी क्रिया हो गई आपका खाना, तो ये आपकी कैसी क्रिया है, द्विकर्मक क्रिया, जहां पर दो कर्म उपलब्ध होते हैं। ठीक है, इसी तरह से आगे यहां पर आप देखेंगे अगला एग्जाम्पल, माली पौधों को पानी देता है, माली पौधों को पानी देता है, तो पौधे और पानी दो क्रियाएं। अध्यापिका विद्यार्थियों को पुस्तक पढ़ाती है, पहले हमने केवल कहा कि अध्यापिका पढ़ाती है, अध्यापिका पुस्तक पढ़ाती है, लेकिन फिर हमने कहा अध्यापिका विद्यार्थियों को पुस्तक पढ़ाती है, तो विद्यार्थी और पुस्तक दो क्रिया। ठीक है, तो इस तरह से हमने सकर्मक क्रिया के यहाँ पर दो भेद हमने बताए, एक कर्मक क्रिया और दो द्विकर्मक क्रिया। तो इस तरह से हमारी जो सकर्मक क्रिया है, यानी कि कर्म के आधार पर जो हमारा क्रिया का भेद था वो हमारा कंप्लीट हो चुका था। उसके बाद हमने रचना के आधार पर क्रिया के भेदों को डिस्कस करना शुरू किया था। ठीक है, तो रचना के भेदों में जैसे हमने यहाँ पर कर्म के आधार पर क्रिया के भेद बताए थे, तो उसमें दो ही प्रकार के आपकी क्रिया थी, सकर्मक और अकर्मक। और सकर्मक को हमने दो भागों में बांटा था, जिसमें एक कर्मक और दो कर्मक थे। लेकिन रचना के आधार पर जो यहाँ पर क्रिया है, वो क्रिया के जो भेद हैं वो छह भेद होते हैं। सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया और अपूर्ण क्रिया। क्लियर सभी को? रचना के आधार पर जो क्रिया के भेद होते हैं वो छह होते हैं, सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया और साथ ही पूर्वकालिक और अपूर्ण क्रिया। तो अब हमने यहाँ पर अपने टू पॉइंट्स, यानी कि सामान्य क्रिया और संयुक्त क्रिया को डिस्कस कर लिया है। यहाँ पर नंबर थ्री पॉइंट, नाम धातु क्रिया को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अपने पहले दो पॉइंट्स को हम एक बार रिवाइज करेंगे, उसके बाद हम अपने अगले पॉइंट पर, अगले टॉपिक पर आएंगे।
तो सबसे पहले तो आप मुझे बताइए कि आप सभी को मेरी आवाज आ रही है क्लियर? सभी को मेरी आवाज क्लियर आ रही है सभी बच्चों को? चलिए, सामान्य क्रिया क्या होती है? रचना के आधार पर पहला भेद, सामान्य क्रिया क्या होती है? सामान्य क्रिया होती है किसी वाक्य में एक ही क्रिया हो तो उसे सामान्य कहते हैं। एक ही क्रिया जहां पर होती है उसे सामान्य क्रिया कहते हैं। मुझे नहीं लग रहा है कि कोई भी बच्चा नोट डाउन कर रहा है। जीआईसी बाग वाला कोई भी बच्चा नोट डाउन नहीं कर रहा है। सारे बच्चे केवल बस बैठे हैं क्लास में। बहुत सारे बच्चे हैं लेकिन नोट डाउन कोई भी नहीं कर रहा है। एटलीस्ट रफ कॉपी में, जो आपकी रफ नोटबुक है उसमें नोट डाउन कीजिए बच्चा। क्योंकि जब आप स्कूल आते हैं, विद्यालय जब आप आते हैं, तो यहां पर आप हर रोज घर से कुछ ना कुछ सीखने के लिए आते हैं, है ना? तो सीखने के लिए अगर आप आते हैं तो आपको 100% अगर एक क्लास में पढ़ाया जाता है, एक आपके पूरे लेक्चर में पढ़ाया जाता है, तो उसका कम से कम 10 से 20 से 30% आपको याद हो, आप समझ पाए। इतना तो होना चाहिए ना कि अगर आपके मम्मी पापा आपसे घर जाकर पूछें कि बच्चे क्या सीखा आज आपने स्कूल में, आज आपने क्या सीखा, आज आपकी हिंदी वाली मैम ने क्या पढ़ाया, आज आपने मैथ्स में क्या पढ़ा, आज आपके इंग्लिश की मैम ने क्या पढ़ाया या सर ने क्या पढ़ाया, तो आप कुछ तो बता सके, है ना? तो आप रोज स्कूल आते हैं, रोज इसीलिए आते हैं, आपकी रेगुलर जो ये एक नियम बना हुआ है, ये इसीलिए बना हुआ है ताकि आपके सीखने का जो क्रम है वो टूटे नहीं, ठीक है? तो जितना टाइम आपका स्कूल का है आप ऑनेस्टली उसको यूज करें, उसको जो भी पढ़ाया जा रहा है उसको सीखने का। और साथ ही देखिए, मैं कभी भी नहीं कहती कि आप केवल मुझे सुनो, मैं कभी भी नहीं कहती कि आप मुझे सुनो, बस मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। आपकी भी कोई क्वेरीज अगर है, जीआईसी गंगा भोगपुर बच्चे आप मुझे सुन पा रहे हैं? देखिए, आप यहां पर अकेले नहीं होते कभी भी, आपके साथ बहुत सारे और स्कूल और कम से कम हजारों बच्चे आपके साथ जुड़े हुए होते हैं। अगर एक स्कूल इस तरह से पढ़ेगा नहीं, डिस्टरबेंस क्लास में क्रिएट करेगा, तो बाकी स्कूल बाकी बच्चे भी डिस्टर्ब होते हैं, ठीक है? अगर आपको पढ़ना है तो पढ़ाई कीजिए, नहीं तो क्लास से आप बाहर जा सकते हैं। आप स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं और उसके बाद भी आप ऐसी हरकतें कर रहे हैं। नोट डाउन कीजिए जो भी आप लिख रहे, जो भी मैं यहां से आपको पढ़ा रही हूं, जो भी मैं आपको बता रही हूं। चलिए, तो हम यहां पर पढ़ रहे हैं रचना के आधार पर क्रिया के भेद। तो जिसमें हम सामान्य क्रिया के विषय में पढ़ रहे हैं उसका पहला भेद पढ़ रहे हैं, किसी वाक्य में एक ही क्रिया हो तो उसे सामान्य क्रिया कहते हैं। और जैसे कि मैं आपको कह रही हूं कि कोई भी चीज, ऐसा नहीं है कि मैं ही बोलूं, कोई भी चीज अगर आपको लगता है कि मैम मुझे नहीं समझ आ रही है, आप रिवाइज कीजिए, तो आप बच्चे क्लास में बैठे हैं, अपने माइक को प्रॉपर अपडेट रखिए और फटाफट माइक लेकर सबसे पहले सिस्टम के माध्यम से हैंड रेस कर सकते हैं, डायरेक्ट क्लास में हैंड रेस कर सकते हैं कि मैम मुझसे मेरी कुछ क्वेरीज है, मुझे कुछ पूछना है, और अपने डाउट्स रख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल मैं ही आपको पढ़ाऊंगी, आप भी अपने डाउट्स रख सकते हैं, अपनी परेशानी हमें बता सकते हैं, चाहे आप कोई लिटरेचर से संबंधित हो या आपके हिंदी व्याकरण से जुड़ी हुई, ठीक है? तो क्लास में ऐसे नहीं बैठना है कि मैम पढ़ा रही है तो मेरा कोई इतना इंटरेक्शन का नहीं, आप भी इंटरेक्ट करेंगे, आप भी अपनी समस्याएं शेयर करेंगे, तभी हमारी क्लास इंटरेस्टिंग बनेगी और तभी आप और अच्छे से सीख पाएंगे। मोहन विद्यालय गया, सामान्य क्रिया हो रही है यहाँ पर, ठीक है? इसी तरह से पिताजी बाजार गए, रोहन ने पुस्तक खरीदी, नेहा सेब लाई, राकेश ने कपड़े बांटे, बिल्कुल सामान्य क्रिया। तो किसी वाक्य में जब एक ही क्रिया हो तो उसे सामान्य क्रिया कहते हैं। मोहन विद्यालय गया, पिताजी बाजार गए, रोहन ने पुस्तक खरीदी, नेहा सेब लाई, राकेश ने कपड़े बांटे, सिंगल क्रिया, इसीलिए इसको कहा गया है सामान्य क्रिया। अगला संयुक्त क्रिया, अगला संयुक्त क्रिया, जब दो या दो से अधिक क्रियाएं एक ही कार्य का बोध कराती हैं, जब दो या दो से अधिक क्रियाएं एक ही कार्य का बोध कराती है तो उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे मैं यह पुस्तक पढ़ सकता हूं, पढ़ क्या है, धातु है,
क्रिया का मूल रूप है, पढ़ धातु में आप ना ता ती लगाकर आप उसको सामान्य क्रिया बना सकते हैं, जैसे पढ़ना, पढ़ता, पढ़ती। ठीक है, तो मैं यह पुस्तक पढ़ सकता हूं, दो क्रियाएं, एक पढ़ और दूसरा सकता हूं, एक ही बात का बोध हमें करा रही है, एक ही बात के विषय में हमें बता रही है। वह यह भार उठा सकता है, उठा बिल्कुल सेम धातु है, मूल रूप है क्रिया का, तो इसमें ना ता ती उठाना, उठाता, उठाती, उठाते आदि। ठीक है, इसी तरह से सीता गाना गा सकती है, सकती है आप सभी को पता है क्रिया है, लेकिन गा भी क्रिया है, गा क्रिया का मूल रूप है, और इसमें भी आप ना ता ती जोड़कर सामान्य क्रिया इसको बनाएंगे, जैसे सीता गाना गाती है या गाना गा सकती है, तो इसी तरह से इसको ये क्रिया के मूल रूप है, तो इसलिए यहाँ पर क्या है, संयुक्त क्रिया, यानी कि जब दो या दो से अधिक क्रियाएं, ये क्या है, क्रियाएं हैं और एक ही कार्य का बोध करा रही है, इसको हम कहते हैं संयुक्त क्रिया। पढ़ सक, पढ़ना, सकना, सकता, ये हमने, ये मैंने आपको यहाँ पर क्लियर कराए थे सारे शब्द। ठीक है, तो ये हम कर रहे थे अपना अभी तक का रिवीजन, अभी तक जो हमने पढ़ा उसको रिवाइज कर रहे थे, क्योंकि काफी समय बाद आपकी क्लासेस स्टार्ट हुई है, और जैसे कि मैंने आपको कहा कि शायद आप इस क्लास को अटेंड नहीं कर पाए होंगे, यानी कि क्रिया से जुड़ा हुआ ये जो टॉपिक हमने अभी तक पढ़ा इसको आप नहीं पढ़ पाए होंगे, क्योंकि आपकी समर वेकेशन स्टार्ट हो गई थी, तो इसको जब हम बाद में रिवाइज करेंगे चैप्टर को, क्योंकि रिवीजन का भी हमारे पास टाइम होता है, तो उस समय आप इसको बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। आगे ये कुछ चीजें हमने यहाँ पर बताई है, रंजक क्रिया, और ये रंजक क्रिया एक अलग सा टॉपिक है, तो इसको हम बाद में क्लियर करेंगे। नंबर थ्री, हमने यहाँ पर आपको बताया कि रचना के आधार पर क्रिया के छह भेद होते हैं। सबसे पहले सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, अपूर्ण क्रिया। दो पॉइंट्स क्लियर कर लिए हैं, सामान्य क्रिया और संयुक्त क्रिया। सभी को समझ में आ रहा है, बच्चों को समझ में आ रहा है? अगर समझ में आ रहा है तो हैंड रेज कीजिए, अगर नहीं आ रहा है तो आप डायरेक्टली क्लास में बोल सकते हैं कि मैम नहीं आ रहा है, एक बार रिवाइज कर दीजिए। यस, हैंड रेज तो सभी बच्चों का इस तरह से आ रहा है, मुझे लग रहा है सबको समझ में आ रहा है बहुत अच्छे से। जीआईसी गंगा भोगपुर, बच्चे आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है? यस, बच्चे हाथ नीचे कर लीजिए, अगर समझ में आ रहा है तो हैंड रेज कीजिए, और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो डायरेक्टली सिस्टम के माध्यम से अपने डाउट्स, अपनी परेशानी, अपनी समस्या, अपने जो प्रश्न है वो पूछ सकते हैं। यस, सभी को समझ आ रहा है बहुत अच्छे से। नाम धातु क्रिया, अब ये नाम धातु क्रिया होती क्या है? ठीक है, तो नाम धातु क्रिया के बारे में हम पढ़ेंगे, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या अनुकरण वाची शब्दों से बनने वाली क्रिया को नामिक या नाम धातु क्रिया कहते हैं। एक बार हम इसको लिख लेते हैं पहले, उसके बाद आप लोगों को एक्सप्लेन करेंगे, और आप लोग चाहें आप भी नोट डाउन कर सकते हैं साथ के साथ। ठीक है, पहले नोट डाउन करेंगे, जब मैं एक्सप्लेन करूंगी तब रुक जाएंगे। ठीक है, चलिए पहले एक बार लिख लेते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण विशेषण या अनुकरण वाची शब्द, अनुकरण वाची शब्द
शब्द शब्दों से बनने वाली क्रियाओं को बनने वाली क्रियाओं को नामिक या नाम धातु क्रियाएं कहते हैं। देखिए क्या हमने लिखा है यहां पर कि संज्ञा सर्वनाम विशेषण या अनुकरण वाची शब्दों से बनने वाली क्रियाओं को नामिक या नाम धातु क्रियाएं कहते हैं। ठीक है, अब देखिए नाम संज्ञा सर्वनाम या विशेषण संज्ञा शब्द से सर्वनाम शब्द से विशेषण या अनुकरणवाची शब्द। अनुकरणवाची शब्द क्या होते हैं? अनुकरणवाची शब्द यानी कि ऐसे शब्द जो एक के बाद एक आते हैं, जैसे टिम टिम, ठीक है, टिम टिम, या और भी ऐसे बहुत सारे शब्द होते हैं जो अनुकरणवाची शब्द कहलाते हैं। तो नाम धातु क्रिया के विषय में हम यहां पर पढ़ रहे हैं और हमने कहा कि संज्ञा सर्वनाम विशेषण या अनुकरणवाची शब्दों से बनने वाली क्रियाओं को नामिक क्रिया या नाम धातु क्रियाएं कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर पहले हम यहां पर लिखते हैं, जैसे रमेश दरवाजा रंगने लगा है। इसी तरह से हमें अच्छाई को अपनाना चाहिए। आयुष आयुष पाठ दोहराने लगा आकाश में तारे टिम टिमाने लगे। तो अब देखिए आप, सबसे पहले हमने कहा कि रमेश दरवाजा रंगने लगा, रमेश दरवाजा रंगने लगा, रंगने लगा यानी कि कलर करने लगा दरवाजे को, ठीक है। और हमें अच्छाई को अपनाना चाहिए, हमें अच्छाई को अपनाना चाहिए। आयुष पाठ दोहराने दोहराने लगा, आकाश में तारे टिमटिमाने टिमटिमाना यानी कि कैसे टिमटिमाते हैं, बिल्कुल जैसे दोहराना शब्द यहां पर लिखा हुआ है वैसे ही
टिमटिमाना, एक के बाद एक ऐसे टिम टिम टिमटिमाना, चमकते हुए दिखाई देना। ठीक है, तो ये है आपका नाम धातु। नाम धातु यानी कि संज्ञा सर्वनाम विशेषण या अनुकरण। रंगने, रंगने लगा जन की विशेषण यहां पर है। ठीक है, इसी तरह से हमने कहा हमें अच्छाई को अपनाना चाहिए। तो अच्छाई क्या है? अच्छाई क्या है? भाववाचक संज्ञा है। अच्छाई क्या है? भाववाचक संज्ञा है। और आयुष पाठ दोहराने लगा, तो जो इन शब्दों से मिलकर बनती है क्रियाएं, जैसे संज्ञा से, सर्वनाम से या विशेषण से या अनुकरणवाची शब्दों से। तो रंगना आपका जो है वो विशेषण है, अपनाना आपका संज्ञा है, दोहराने और टिमटिमाने जैसे शब्द ये आपके अनुकरणवाची शब्द है। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ आपको? नाम धातु क्रिया आपको क्लियर हुई? जी आई सी बुग्गा वाला, जी जी आई सी बुग्गा वाला। बच्चे आपको मेरी आवाज आ रही है? यस, वेरी गुड, सभी को आवाज आ रही है, क्लियर। तो अगर कोई भी चीज समझ में ना आए तो आप पूछ सकते हैं, आप अपनी समस्या हमें बता सकते हैं। नेक्स्ट, हमारा जो अगला हमारा यहाँ पर पाठ है वो है प्रेरणार्थक क्रिया। अगला क्या है? प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक है, नंबर 4, इसीलिए उसको प्रेरणार्थक क्रिया कहा जाता है। ठीक है, अब जैसे इसको एक बार हम लिख लेते हैं इसकी परिभाषा को, उसके बाद एग्जाम्पल से इसको समझेंगे। जिस क्रिया को कर्ता स्वयं ना करके, स्वयं ना करके दूसरे को करने के लिए प्रेरित करता है। प्रेरित करता है, उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए कुछ। जैसे राजेश अंशु को पसंद पंजाबी पढ़ाता है, यानी कि राजेश काम कर रहा है, लेकिन वो कैसा कैसे कर रहा है? वो खुद के लिए नहीं कर रहा है, वो अंशु के लिए कर रहा है, ताकि वो पढ़ सके, पंजाबी भाषा को सीख सके। ठीक है, इसी तरह से अमन दादाजी को सड़क पार कराता है। एक और एग्जाम्पल, माँ बेटी को दूध पिलाती है। ठीक है, इस तरह से अध्यापिका ने
अध्यापिका ने नीना से निबंध लिखवाया। तो अब आप यहां पर देखेंगे पढ़ाता, कराता, पिलाती और लिखवाया। ये जो सारे शब्द हैं, ये कैसे शब्द हैं? ये प्रेरणार्थक शब्द हैं। तो बच्चों आपने देखा कि हमने यहाँ पर कितनी सारी चीजें अभी तक पढ़ ली है। प्रेरणार्थक क्रिया यानी कि जिस क्रिया को कर्ता स्वयं ना करके दूसरों को करने के लिए प्रेरित करता है उसे प्रेरणार्थक कहते हैं। और कुछ एग्जाम्पल हमने यहाँ पर लिखे, जैसे राजेश अंशु को पंजाबी पढ़ाता है, वो उसको सीखने के लिए प्रेरित कर रहा है पंजाबी। दादाजी को, अमन दादाजी को सड़क पार कराता है। माँ बेटी को दूध पिलाती है। अध्यापिका ने नीना से निबंध लिखवाया यानी कि नीना को निबंध लिखने के लिए प्रेरित किया। तो इस तरह से हमारे यहाँ पर रचना के आधार पर जो हम क्रिया के भेदों को पढ़ रहे हैं उसमें हमने चार भेद पढ़ लिए हैं। बाकी के दो भेदों को कंटिन्यू करेंगे हम अपने नेक्स्ट सेशन में। और बाकी और भी बहुत सारी चीजें हैं क्रिया से संबंधित हमारे यहाँ पर, और साथ ही अभ्यास से जुड़े प्रश्न भी है। सारी चीजें हम अपनी यहाँ पर पढ़ेंगे नेक्स्ट सेशन में। आज का सेशन हमारा यहीं पर समाप्त होता है। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।